वाइफ एक्सचेंज यानी कि पत्नी की अदला बदली। आप देख रहे हैं मस्ती एक्स प्रो। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हॉट एवं रोमांटिक शॉर्ट फिल्म की स्टोरी, वाइफ एक्सचेंज। कहानी इसमें दो पति पत्नी की है। पति नाश्ते के लिए बैठा रहता है, इसी बीच उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और वह अचानक ऑफिस के लिए जाने लगता है। पत्नी कहती है कि नाश्ता तो करके जाओ। पति कहता है कि अर्जेंट बॉस का कॉल आया है, मुझे जाना होगा, मैं बाद में उधर ही नाश्ता कर लूँगा। पत्नी पूछती है जल्दी तो नहीं आओगे? पति कहता है नहीं, मैं लेट से आऊँगा। और वह ऑफिस चला जाता है। इसी बीच पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लेती है और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। अभी जैसे ही वो दोनों का रोमांस शुरू होता है, इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है और वाइफ जाकर देखती है तो उसका हस्बैंड ही रहता है। वह कमरे में वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड को कहता है कि बेड के नीचे छुप जाओ, जैसे ही मेरा हस्बैंड वॉशरूम के लिए अंदर जाएगा तुम निकल के चले जाना। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसका हस्बैंड बोलता है कि बहुत देर लगा दी। तो वह बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तैयार हो रही थी इसलिए लेट हो गया। यह कहकर वह निकल के चली जाती है मार्केट के लिए। इसी बीच उसका हस्बैंड कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है घर पे और वह आ जाती है और इन दोनों का रोमांस उसी कमरे में, जिस कमरे में वाइफ अपने लवर के साथ कर रही थी, उसी कमरे में जाती है, उसी बेड पे इन दोनों का रोमांस शुरू होता है। लेकिन किस्मत, इन दोनों का रोमांस भी पूरा नहीं होता। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी वाइफ दरवाजे पर होती है। यह उस अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम बेड के नीचे छिप जाओ और यह जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसकी वाइफ ही है। जैसे ही दोनों में बातें होना शुरू होती है, तब तक बेड के नीचे से दोनों चिल्लाते हैं क्योंकि वह दोनों, वाइफ का हस्बैंड और हस्बैंड का गर्लफ्रेंड, दोनों एक दूसरे पति पत्नी होते हैं और दोनों चिल्ला उठते हैं। इसी बीच दोनों बाहर निकल के बाहर आते हैं और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।